नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात करें। इसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया था, पहली क्लास में मैंने बताया था कि लाभ हानि क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कब हमें फ़ायदा होता है, कब हमें नुकसान होता है, इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। आज हम क्या करेंगे, आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक सिखा रखा है। तो शुरुआत करेंगे हम किसकी, तो शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे लाभ और हानि की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हीरू ने 47,000 रुपये में, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हीरू ने 47,000 रुपये में, 47,000 रुपये में हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में तीन हज़ार रुपये खर्च किए, ठीक है। अच्छा, यदि वो कार को अट्ठावन हज़ार रुपये में बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरो ने 47,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी, और जब कार खरीदी उसकी रिपेयरिंग कराई यानी कि मरम्मत कराने में 3,000 रुपये लग गए, और फिर क्या हुआ, उसने उस कार को बेच दिया कितने में, आप कहेंगे 58,000 रुपये में, आपको बताना है उसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जब कोई वस्तु पुरानी वस्तु खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद में उससे रिपेयरिंग कराएंगे, मरम्मत कराएंगे, तो वो भी पैसा हमारा किसमें, क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। यानी कि गाड़ी तो 47,000 की खरीदी थी और ख़रीद के लाने के बाद में 3,000 रुपये उसमें और लगाए, यानी कि हमारी जेब से आप कह सकते हैं कि 47,350 रुपये लगे। क्या आप कहेंगे कि 47,000 की तो खरीदी थी लेकिन 47 के साथ साथ 3,000 रुपये रिपेयरिंग में खर्च किया, यानी कि हमारी जेब से कितना पैसा गया। तो आप कहेंगे हमारी जेब से गया 50,000। कितना गया, आप कहेंगे 50,000 रुपये, 47,000 की तो खरीदी, 3,000 रुपये और लगा दिए, यानी कि हमारी जेब से टोटल 50,000 रुपये खर्च हो गए, तो सीपी हो गया। इसके बाद में उसी गाड़ी को मैंने बेचा कितने में, तो आप कहेंगे 58,000 में बेचा। कितने में, 58,000 में बेचा, यानी कि 50,000 रुपये की वो गाड़ी हमें पड़ी थी, कुल मिलाकर खरीदने के बाद में मरम्मत कराने के बाद में 50,000 रुपये की पड़ी थी, 58,000 रुपये का मैंने बेचा, बताइए कितने का फ़ायदा हुआ। तो आप कहेंगे 800 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे 8,000 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि 50,000 में खरीदी कुल मिलाकर और 58,000 में बेच दी, यानी कि 8,000 का फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, आप कहेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य क्या था आपका, आप बताएंगे 50,000। क्या था, 50,000। और परसेंटेज मिलाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, ये सब अपनी पिछली क्लास में, बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करते हैं। 1, 2, 3, 4 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 16 बार, तो फाइनली अपना आंसर क्या आएगा, 16%। यानी कि इस हीरो लड़के को, जो व्यक्ति है, इससे 16% का फायदा होने वाला है। 50,000 रुपये टोटल उसे ओवरऑल में पड़ जाती है कार, और 58,000 रुपये का बेचता है उसे, 16% का उसे क्या होता है, तो आप कहेंगे 16% का उसे फायदा हो जाता है, ठीक है। 16% का क्या होगा, तो आप कहेंगे 16% का उसे फायदा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 16% इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16% इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे 16% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में
अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दो की। और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। अब हम सीखने वाले हैं अपना अगला कंसेप्ट, याद रखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, याद रखेंगे 25 वस्तुओं का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे डालेंगे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुएं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के क्या है, आप कहेंगे विक्रय मूल्य के समान है, क्या है समान लिखेगा, कभी कभी बराबर लिख देता है, तो आप जानते हैं समान बराबर एक ही चीज है, समान है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर ये क्वेश्चन आता ना हो, यानी कि इस क्वेश्चन को 3 स्टार देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे लिए ये, ठीक है। इसको समझेंगे, पहले हम इसके कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर इस हिसाब से जितने सवाल आएंगे आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका बेसिक देखते हैं, फिर इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करना है ये चीज भी हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, तो बोला गया 20 वस्तुओं के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या इस पूरी लाइन को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्या आप कहेंगे बिल्कुल, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का सीपी और 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य यानी कि 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यदि हम यहाँ से इनका रेशियो निकालना चाहे, अनुपात निकालना चाहे, तो आप बोलेंगे अनुपात निकालने के लिए आप ऐसा करें, सीपी को यहाँ पर ऐसे लिख दें, एसपी को नीचे ले आए, बराबर यहाँ पर 20 तो लिखा ही लिखा है, ये 25 कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 20 हो गया और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 25 हो गया। हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, चलिए मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया था, रेशियो में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब एक दूसरे के बराबर हो तो ये इसका अपोजिट होता है, ये अगर रेशियो पूछा जाए जैसे लिखा है 25 सीपी बराबर 20 एसपी, तो याद रखेंगे इसका रेशियो एक दूसरे के विपरीत होता है, ये सीपी का मान 20 कहलाएगा, एसपी का मान क्या कहलाएगा, 25 कहलाएगा। यदि आपने रेशियो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि ये सीपी का मान 20 कहलाएगा, एसपी का मान क्या कहलाएगा, 25, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। यदि फिर भी आप भूल जाए तो आप निकाल सकते हैं सीपी बटे एसपी बराबर बोलेंगे 20 बटे 25, यानी कि सीपी हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एसपी हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, यानी किसी चीज को 20 रुपए में खरीदा 5 रुपए में बेचा तो आप कहेंगे, यानी कि 20 रुपए में खरीदा 25 में बेचा तो आप कहेंगे 5 का फायदा होने वाला है, 5 का क्या होगा, फायदा। और फायदा हमेशा किस पर होता है, तो आप कहेंगे फायदा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य कितना है, तो 20 है, यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, 20 × 5 = 100, 5 × 25 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25% इज द राइट आंसर, तो 25% इसका सही आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25%। तो ये क्वेश्चन करने का बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, लेकिन आपको कैसे करना है, तो आपको एक कंसेप्ट सीखना है। देखिए जब भी बोला जाए जैसे लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अब इस चीज को आप डायरेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे जो क्रय मूल्य इसमें बोला जाएगा उससे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और जो विक्रय मूल्य माना जाएगा उससे हम क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, तो क्रय मूल्य को आप विक्रय मूल्य मानेंगे और विक्रय मूल्य को आप क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी को आप एसपी मानेंगे, एसपी को सीपी मानेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, क्रय मूल्य 20 है, तो इस 20 को देखो यहाँ पर क्या माना, तो आप कहेंगे 20 को यहाँ पर क्या माना, सीपी, यहाँ पर अपोजिट करना है हमें, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य 20 है, तो ये 20 और यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या, 25, एक दूसरे के अपोजिट कर दो। जब आप एक दूसरे के अपोजिट करेंगे, ठीक है, तो जब आप एक दूसरे के अपोजिट करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य बोला यानी कि इसका मतलब क्या, 20 में खरीदा और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 25। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास 25 है और 20 क्या, विक्रय मूल्य, तो ये
ये 20 जो है ना, 20 आ जाएगा क्रैमूल के साथ में और 25 चला जाएगा विक्रमूल के साथ में, 20 क्रैमूल के साथ में, 25 विक्रमूल के साथ में। तो आप इस चीज को ऐसे डाइड करते हैं, यानी कि 20 में खरीदा 25 में बेचा, अपोजिट आपको सोचना है, 20 में खरीदा 25 में बेचा, 5 का फायदा हुआ। और किस पर? तो आप कहेंगे क्रैमूल पर। तो क्रैमूल क्या है? क्रैमूल यहाँ पर 25 है, लेकिन आपको दूसरा वाला मानना है, तो आप क्या मानेंगे? 20। 5/20 गुणा 100 करेंगे तो क्या आएगा? 25, 20 पंचे, ठीक है, 20 पंचे 100, 25। आंसर क्या आ जाएगा? 25% इज द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने बेसिक भी आपको बताया और इस चीज़ को आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है 15 संतरों का क्रयमूल 20 संतरों के विक्रयमूल के बराबर है। 15 संतरों का क्रयमूल 15 संतरों का क्रयमूल 20 संतरों के विक्रयमूल के बराबर है, 20 संतरों के विक्रयमूल के बराबर है। विक्रयमूल के क्या है? तो आप कहेंगे बराबर है, बराबर है। तो आपसे पूछा गया है हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसमें लिखा है कि 15 संतरों का क्रयमूल 20 संतरों के विक्रयमूल के बराबर है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को डायरेक्ट कैसे करना है ये हमें सीखना है। तो 15 का क्या है ये क्रयमूल, यानी कि क्रयमूल 15, लेकिन हम क्या मानेंगे? हम विक्रयमूल मानेंगे, उल्टा मानेंगे हमेशा। 20 वस्तुओं का विक्रयमूल इसे हम क्या मानेंगे? इसे मान लेंगे क्रयमूल। ठीक है, तो देखिए इसमें हुआ क्या, आपको डायरेक्ट रखना है, यहाँ पर हानि पूछी जा रही है। इसका मतलब हानि क्या होती है? जब ज्यादा में खरीद के कम में बेचे, ज्यादा में खरीद के कम में बेचे। इसका मतलब क्या? इसमें 15 वस्तुओं का क्रयमूल और 20 वस्तुओं की विक्रयमूल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 में खरीदा होगा और 15 में बेचा होगा, क्योंकि हमें अपोजिट मानना है ना, क्रयमूल को विक्रयमूल बोलना है, विक्रयमूल को क्रयमूल। तो इसका मतलब 20 में खरीदा होगा, 15 में बेचा होगा, तो कितने का घाटा हुआ? तो आप कहेंगे 5 का घाटा हुआ है। कितने का घाटा हुआ है? 5 का। और घाटा कब होगा? जब ज्यादा में खरीदे कम में बेचेंगे। तो इन दोनों में ज्यादा क्या है? आप कहेंगे 20 गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 20 पंचे 100 पचम 25 आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 25% इज द राइट आंसर। तो ये कैसे किया, इस चीज को आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कैसे? इसमें लिखा है 15 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। तो क्रयमूल को आप विक्रयमूल मानेंगे, विक्रयमूल को क्रयमूल मानेंगे। यानी कि जो 15 है, 15 क्या हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा और 20 क्या? सीपी। यानी कि 20 में खरीदा, 15 में बेचा, तभी तो हमें 5 का घाटा हुआ। 5 का घाटा हुआ किस पर? 20 पर। इंटू 100 कर देंगे तो अपना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा, 280 रुपए में खरीदा, रुपए में खरीदा। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, और इसे 315 बेचा, और इसे 315 रुपए में, 15 रुपए में बेच दिया। हालांकि ये क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बेच दिया, आपको बताना है उसे लाभ प्राप्त हुआ, उसे लाभ कितने परसेंट का प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए तो देखेंगे, कावेरी ने खिलौने को 280 में खरीदा था और 315 में बेचा, इसका मतलब फायदा हुआ कितने का फायदा हुआ? तो आप कहेंगे 315 में 280 घटा दीजिए, तो 280 में 20 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा और 15 वो एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 35। कितना? 35 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज हमेशा निकालते हैं किस पर? क्रेमोल पर। कितने में खरीदा था? 280 में खरीदा था। मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 7 × 28, 7 × 35, 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 25/2 = 25 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे 12.5%। आंसर क्या आएगा? 12.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या जाएगा? 12.5%। और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया RPF 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम टाइप बदलने वाले, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। कार्यक्रमों के लिए एक प्रोग्राम होता है, यानी कि कार्यक्रम होता है, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, केक बनाती है। कार्यक्रम में गीता क्या करती है? केक बनाती है। ठीक है, जन्मदिन की पार्टी के लिए, जन्मदिन की पार्टी के लिए यानी कि बर्थडे पार्टी, इसमें क्या होता है? बर्थडे के लिए इसने क्या किया? एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम रखा जिसमें इसने केक बनाने का प्रयास किया। उसने एक केक बनाया और उसने एक केक बनाया यानी कि गीता ने एक बर्थडे पार्टी में केक बनाया। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसे 700 रुपए में बेच दिया यानी कि इसे 700 रुपए में बेच देती है। और इसके बाद फिर क्या हुआ? केक बनाने के लिए जो सामग्री लगी उसकी कीमत 350 थी। सामग्री की कीमत 350 रुपए थी। ठीक है, उसके लाभ अर्जित बताना है, लाभ परसेंटेज बताना है कितने का हुआ? उसे लाभ बताना कितने परसेंट का हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, और इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्या क्वेश्चन वैसे ही है क्या? उसमें डायरेक्ट बोल दिया गया था, इसमें थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया आपसे, तो आपको बता रहे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम बात करें, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल इसकी लैंग्वेज बदल दी गई। लैंग्वेज में पता नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा है और हम क्या करते हैं, इसे स्किप करने का प्रयास करते हैं, छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चों देखिए तो पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो इसमें भाषा लिखी, ये फालतू की भाषा लिखी, इस भाषा से कोई मतलब नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गीता क्या करती है, एक बर्थडे पार्टी के लिए केक तैयार करती है, कुल मिलाकर अपने जेब से कितने रुपए खर्च करती है? 350 रुपए खर्च करती है और वो 700 रुपए में बेच देती है। इस सवाल का बस इतना ही मतलब है। लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी लिखी है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उसने केक बनाया, केक बनाने के बाद में उसकी जेब से कितना पैसा लगा? आप कहेंगे 350 रुपए लगा। और उसने कितने में बेच दिया? 700 रुपए में बेच दिया। आपसे पूछा जा रहा है लाभ परसेंटेज बताइए, तो क्या इस सवाल को आप करेंगे क्या? आप कहेंगे सवाल को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आंसर क्या आ गया? 100% आ गया। बस हो गया सवाल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब 100% कैसे हो गया, ये समझने वाली बात है। तो देखिए,
जेब से 350 रुपए लगे और बेच दिया 700 रुपए में। 350 लगे, 700 में बेचा, मतलब डबल में बेच दिया, दोगुना में बेचा, दोगुना में बेचे ना। तो जब दोगुना में बेचेंगे तो हमें फायदा कितने का होगा? तो आप कहेंगे हमें फायदा हो जाएगा 100% का, क्योंकि मैंने 100 में खरीदा, किसी को 200 में बेच दिया, तो 100 रुपए तो हमारे अपने हो गए और 100 रुपए एक्स्ट्रा में मिल गए, यानी कि 100% कमा लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 100% आ जाएगा। बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा? 100% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100% क्या होगा? आप कहेंगे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे, एक बार समझ लेते हैं। हालांकि आंसर तो 100% आ गया, तो आप कहेंगे 350 में खरीदा, मतलब 350 लागत लगी और 700 में बेच दिया, फायदा कितने को? आप कहेंगे 350 का। फायदा हमेशा किस पर होता है? आप कहेंगे क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 350 से 350 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? आप कहेंगे 100% ही तो बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100%। तो क्वेश्चन देखने में डरावना जरूर था, लेकिन आप बताइए कि क्वेश्चन कितना आसान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, RPFSI का क्वेश्चन था, और इसके बाद में अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर, यानी कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर, 144 रुपए में बेचने पर, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर, 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर, अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, 1/7 की हानि होती है, 1/7 की क्या होती है? तो आप कहेंगे हानि होती है, 1/7 की क्या होती है? हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता 189 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है, क्या होगा लाभ प्रतिशत होगा। तो सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 क्या होता है? 1/7 की हानि हो जाती है, और अनुराग चाहता है कि इस पेन को मैं 189 रुपए में बेच दे, और उसने बेच भी दिया, तो आपको बताना है कि अनुराग को कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसमें 144 रुपए में बेचने पर, जब आप 144 में बेचेंगे, 144 में बेचेंगे, तो आपको घाटा हो जाएगा कितने का? 1/7 का, 1/7 का। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, परसेंटेज में भी मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के बाद माइनस प्लस कर रहे थे, और इस सवाल में तो फ्रैक्शन में बदल कर दिया गया है। क्रय मूल्य का बताना है 1/7, यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास यदि 7 होगा, तो इसमें 1 का घाटा हो रहा है, तो बताइए विक्रय मूल्य हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 6। भाई 7 में खरीदेंगे, 6 में बेचेंगे, तभी तो 1 का घाटा होगा। ठीक है, और ये 144 बेचने पर, और इसमें हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 144 दे रखा है। क्या 144 6 के बराबर हो जाएगा क्या? ये भी हमारे पास विक्रय मूल्य है, ये भी हमारे पास विक्रय मूल्य है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? तो आप कहेंगे 7 है, यानी कि 6 का इसमें भाग देंगे, 6 × 12 6 × 24 1 = 24 क्या आ गया? आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 7। तो 7 = क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 28 7 × 14 और 14 × 2 = 16 168, और 168 क्या गया? तो आप कहेंगे CP, यानी कि CP हमारे पास क्या आ गया? तो आप कहेंगे 168। CP कैसे निकाला फिर से समझेंगे। एक बार लिखा है 1/7, यानी कि कोई चीज 7 रुपए में हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, और 6 रुपए में बेचेंगे, तभी तो हमें घाटा होगा। 7 में खरीदेंगे, 6 में बेचेंगे, तभी घाटा होगा। तो
क्रय मूल्य इसका मतलब 7 हो गया और विक्रय मूल्य 6 आ गया, और सवाल में विक्रय मूल्य 144 दे रखा है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, 6 बराबर किसके 144 के, तो 1 बराबर किसके 24 के। आपसे आपको निकालना है क्या, निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 7, 1 बराबर 24 के, तो 7 बराबर किसके, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या गया 168, यानी कि कुल मिलाकर के अनुराग ने उस सामान को 168 रुपए में खरीदा था, 168 रुपए में खरीदा था। अब उसी सामान को अनुराग क्या करता है 189 रुपए में बेच रहा है, 189 में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो 189 हमारे पास क्या आप कहेंगे एसपी है, तो 189 में बेचेगा उसे कितने रुपए का फायदा होगा, 168 में खरीदा 189 में बेच रहा है कितने का फायदा होगा बताइए, 9 में 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा और 8 में 6 घटा देंगे 2 बचेगा, यानी कि उसे 21 रुपए का फायदा हो रहा है, 168 में उसने खरीदा 189 में बेच दिया 21 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा है कितने परसेंटेज का फायदा हो रहा है, तो आप बटे क्या करेंगे, बटे हमेशा क्या आता है आप कहेंगे क्रय मूल्य, तो 168 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 अट्ठे क्या होता है आप कहेंगे 168, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 में से 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 12.5, 12.5 इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो 12.5 इज द राइट आंसर। तो अनुराग को कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे 12.5% का फायदा हो रहा है, 12.5% का उसे फायदा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है लिखा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, एक आदमी, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया था, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, एक आदमी एक रुपए में 5 वस्तुएं 5 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीदता है, क्या करता है 5 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 बेचता है, और 1 रुपए के 4 बेचता है, और 1 रुपए के 4 बेचता है, 4 बेचता है, यानी कि 1 रुपए में 5 तो खरीद के लाता है और 1 रुपए में 4 बेचता है, मतलब 1 पेन बचा लेता है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत, यानी कि व्यक्ति करता क्या है 1 रुपए में 5 पेन खरीद लेता है और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, ठीक है, 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, यानी कि 1 पेन बचा लेता है, आपको बताना है कितने परसेंटेज उसे फायदा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको क्रय मूल्य, इसके बाद में विक्रय मूल्य, तो 1 रुपए में 5 खरीद रहा है, 1 रुपए में कितने खरीद रहा है, तो आप कहेंगे 5 खरीद रहा है, और 1 रुपए में बेच कितने रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपए में 4 बेच रहा है। इसके लिए मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करा देना है, 4 एकम 4 करेंगे और 5 एकम 5 करेंगे, ठीक है, पहले जो होता है ये हमेशा क्रय मूल्य कहलाता है और ये क्या कहलाता है विक्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपए में मान लेते हैं खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो आप कहेंगे उसे 1 रुपए का फायदा हो गया, और फायदा किस पर होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, बटे 4 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, 4 से काटेंगे तो 25% इज द राइट आंसर, तो उस व्यक्ति को 25% का फायदा हो रहा है, कितने परसेंटेज का, तो आप कहेंगे 25% का उसे फायदा हो रहा है। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, इस सवाल को हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है क्या, अगला हमारे पास लिखा है एक पायदान को 72 रुपए बिक्री करने पर, एक पायदान को
72 रुपए में बिक्री करने पर यानी कि 72 रुपए में जब उसे बेच दिया जाता है करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, की हानि होती है 10% की क्या होती है, तो आप कहेंगे 10% की हानि होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 96 रुपए में पायदान को बेचने पर 96 रुपए में पायदान को बेचने पर यानी कि उस पायदान को जब 96 रुपए में बेचा जा रहा है तो कितने परसेंटेज का लाभ या घाटा हुआ, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत का आपको बताना है लाभ या हानि बताना है, आपको बताना है उसे कितने परसेंटेज का या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक पायदान को 72 रुपए में बेचने पर बढ़ई को 10% का घाटा हो जाता है, ठीक है, और अब 96 रुपए में बेचने पर उसे क्या होगा, घाटा होगा कि फायदा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जब 72 रुपए में बेचेंगे तो उसे घाटा हो जाएगा कितने परसेंटेज का, उसे हो जाएगा 10% का। तो हम क्या करें, पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, क्या निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कुछ करेंगे कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। 10% का घाटा हो जाता है, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10, 10 में एक घटा देंगे 9/10, और जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे तो 9 नीचे रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 10 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 8 बार 9 8 72 8 2 80, यानी कि हमारे पास सीपी क्या आ गया, तो आप कहेंगे सीपी हमारे पास 80 आ गया, यानी कि 80 में तो खरीदा और 96 रुपए में बेच रहा है, 96 में क्या करें, तो आप कहेंगे 96 उसका क्या है, एसपी है, 80 में खरीदेंगे 96 में बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा, 16 रुपए का फायदा हो जाएगा, कितने रुपए का, 16 का फायदा हो जाएगा, और जब 16 का फायदा किस पर होगा, तो आप कहेंगे 80 पर होगा, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, 16 × 80 5 से काटेंगे 20 बार, तो आप कहेंगे उस बढ़ई को 20% का फायदा हो जाएगा। जब वो 72 रुपए में बेच रहा था उसे 10% का घाटा हो रहा था, अब वो 96 रुपए में बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% का उसे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है, 20% का उसे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, तो 20% का उसे लाभ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है, अब इस टाइप को हम क्या करने वाले हैं, इस टाइप को हम चेंज करने वाले हैं, ये टाइप हम बदलने वाले हैं, ठीक है। अब अगला टाइप हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति 16,800 में, एक व्यक्ति, अब हम टाइप बदलने वाले हैं, एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में हमारे दे रखा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, 16,800 रुपए में 18 खाट बेच देता है, और जो कि किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 3 घाट के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 18 खाट बेचता है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास है 3 खाट के बराबर है। तो इसका मतलब इस सवाल में आप कहेंगे इस 16,800 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है,
इस वैल्यू को ऐसे ही केवल घुमाने के लिए लिख दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस वैल्यू के चक्कर में यदि आप पढ़ेंगे तो सवाल को सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसमें पता ही नहीं चलेगा करना क्या। तो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं। और ये टाइप मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक दूसरे के अपोजिट हों तो हम क्या करते हैं, संख्याएँ विपरीत मानते हैं। एस पी को सी पी मान लेते हैं, सी पी को एस पी मान लेते हैं। इसमें बोला गया 18 हमारे पास क्या है, बेच कर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, और 3 को खरीदने पर ये क्या है, क्रय मूल्य, और आपस में क्या है, बराबर। यानी कि 18 को हम मान लेंगे सीपी और 3 को मान लेंगे एसपी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताना है कि एक खाट का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 18 हमारे पास इसमें एसपी दे रखा है, लेकिन इसे हम क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। इसे क्या मानेंगे, सीपी मान लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप सीपी मानेंगे और यहाँ पर एसपी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एसपी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि आपसे परसेंटेज पूछा जाता तो आप आसानी से बता सकते थे, परसेंटेज पूछा जाता तो आप आसानी से बता देते। क्या बताते, आप ये बताते कि हमारे पास 18 बेच कर, तो इसका मतलब क्या है, सीपी को मान लेंगे 18, सीपी बराबर हम क्या मानेंगे तो 18 मान लेंगे, और एसपी बराबर क्या मानेंगे, एसपी बराबर मान लेंगे हम 3। हमेशा अपोजिट मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सी पी ये दे रखा है, एस पी ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या, परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, कितने परसेंटेज का लाभ प्राप्त हुआ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए वो बेच कितने में रहा है, तो आप कहेंगे 3 में बेच रहा है। खरीदा कितने में था, 18 में खरीदा था, ठीक है। तो बताना है इसमें, तो इसमें क्या होगा, 3 में बेच रहा है, 18 में खरीद रहा है, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे उसे घाटा हो रहा है। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 16,800 रुपए में बेच रहा है वो, 16,800 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितने में बेच रहे, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि 3 खाट या 18 खाट ये एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर के लिए आप दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 18 3 21 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 बराबर किसके हो जाएगा, 16,800 के बराबर हो जाएगा। और 21 अट्ठे क्या होता है, तो आप कहेंगे 21 अट्ठे होता है 168, यानी कि 1 = 800 के आ गया। आपसे पूछा गया क्रय मूल्य बताइए और 1 की वैल्यू तो आपसे पूछी गई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 800 ही, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे किया फिर से एक बार समझिए। इसमें बोला गया कि 18 खाट का जो विक्रय मूल्य है 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 16,800 के बराबर हो जाएगा। और 16,800 हो जाएगा 21 बराबर 16,800 के, 1 की वैल्यू निकालें तो आप 21 का भाग देंगे, जैसे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 800 बार कटेगा। और 1 की वैल्यू तो आपसे पूछी गई थी, 1 खाट की वैल्यू बताइए, 1 खाट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 खाट की वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 800। इसके बाद में अगला हमारे पास है, एक वस्तु बेचकर मदन ने एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर उसके क्रय मूल्य के एक चौथाई ठीक है के बराबर लाभ अर्जित किया, के बराबर लाभ अर्जित किया, लाभ अर्जित किया, लाभ अर्जित किया, यदि उसने इसे 375 में बेचा, यदि इसे उसने 375 रुपए में बेचा, 375 रुपए में बेचा, 375 रुपए में बेचा, तो क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है।
एक वस्तु को बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य की 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना था। तो 1/4 की बात करें, 1/4 का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य का मान लेते हैं, क्रय मूल्य नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य मान लिया कि क्या है 40, यानी कि 4 है, यानी कि 4 रुपए में उसने खरीदा था और उसे लाभ हो रहा है, जिसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आया 5 आया, और 5 क्या होगा तो आप कहेंगे एसपी, यानी कि उस सामान को कहीं ना कहीं 4 में खरीदा जा रहा है और 5 में बेचा जा रहा है, तभी तो उससे फायदा हो रहा है। और बोला गया कि इसे उसने 375 में बेचा, और बेचा कितने में 375, तो एसपी को एसपी के बराबर कर देते हैं यहाँ पर कितने का, तो आप कहेंगे 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा 375 के बराबर। 5 375 के बराबर, 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 से 35, 2 बचेगा 55, 25, 1 = 75 से आपसे पूछा गया क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितने, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य 4 है, 1 = 75, तो 4 बराबर किसके, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर इसका आ जाएगा 300 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 300 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को इस प्रकार से आप करेंगे, हालांकि यदि आप इससे बेसिक से जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, और इस मेथड से आप करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 4, 1 का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब 5 में बेच रहा होगा, 5 किसके बराबर, 375 के, 1 = 75, क्रय मूल्य आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 4, 4 बराबर किसके, तो 75 चूको होता है 300। इसके बाद में अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा है एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10%, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर यानी कि डिस्काउंट देने पर, छूट देने पर 27 रुपए का अंतर आता है, 27 का डिफरेंस आता है, 27 रुपए का अंतर आता है 27 रुपए का अंतर आता है, तो आपको बताना है कुर्सी का मूल्य बताना है, कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, कुर्सी का प्राइस आपको बताना है, कुर्सी का मूल्य आपको बताना है, ठीक है, कुर्सी का मूल्य आपको बताना है। तो सवाल में ये बोला गया है कि एक कुर्सी है जिसे बेचने पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, पहला डिस्काउंट क्या है 10%, दूसरा डिस्काउंट क्या है 14%, और ये ऐसा करने से क्या होता है कि 27 रुपए का अंतर आ जाता है, 2 बार लगातार डिस्काउंट देने से 27 रुपए का 27 का डिफरेंस आ जाता है, आपको बताना है वो जो कुर्सी थी उसका प्राइस क्या था, उसका मूल्य क्या था। तो सवाल में जब अंतर बोला गया इसका मतलब वस्तुएं हमारे पास सेम रहेंगी, पहली वस्तु में 10% का डिस्काउंट करेंगे, दूसरी वस्तु में 14% का डिस्काउंट करेंगे, और दोनों को घटाकर किसके बराबर कर देंगे, 27 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, और डिस्काउंट हमेशा हम किस पर देते हैं, आप कहेंगे हमेशा 100 पर देते हैं, जब 100 में 10 का डिस्काउंट करेंगे तो वो चीज़ कितनी बिकेगी, तो आप कहेंगे 90% में बिकेगी माइनस,
और जब उस चीज को हम 14 का डिस्काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 86 बेचेंगे, किसमें 86% में, तो 90% माइनस 86% ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 27 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 27 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे तो 90 में 86 घटाएंगे तो आप कहेंगे 4% किसके बराबर, 27 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? 27 के। आपको चाहिए कुर्सी की वैल्यू बतानी है, तो कुर्सी हमेशा 100%, इसे 100% बनाने के लिए आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का, और इसे भी क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सत्य क्या होता है, तो आप कहेंगे 25 सत्य 175, 175 की 5 लिखेंगे कैरी हमारे पास 17 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 50 17 क्या हो जाएगा, 67, कितना हो जाएगा, 67। तो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा 675, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 675, इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, इसमें एक्स मानने की जरूरत नहीं, आप एक्स मान की जरूर करते तो उस चीज़ से आपको बचना है। जब दो डिस्काउंट दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसे 100% मान के घटाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारे पास है, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है 6% लाभ पर बेचा जाता है, तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में, तो 6% की हानि पर बेचने की तुलना में, पर बेचने की तुलना में, बेचने की तुलना में, बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं, 870 रुपये अधिक मिलते हैं, 870 रुपये अधिक मिलते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले एक हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए पहले कंसेप्ट सीखेंगे बाद में क्वेश्चन करेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या है, तो इस कंसेप्ट में आपको क्या सीखना है, आपको एक चीज़ सीखनी है कि सवाल में जब कभी अधिक लिखा हो, कम लिखा हो, ज़्यादा लिखा हो, अंतर लिखा हो, डिफरेंस लिखा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, दो चीज़ें आपको याद रखना। यदि लिखा है लाभ 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 और लाभ दो बार लिखा हुआ है तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, माइनस कर देना है। यदि हानि हानि लिखा है, हानि और हानि लिखा है तो भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको माइनस कर देना है, इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। यदि एक बार लाभ लिखा है और एक बार हानि लिखा है, एक बार लाभ एक बार हानि, तो आपको प्लस कर देना है। यदि एक बार हानि लिखा हुआ है और एक बार लाभ लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इस चीज़ को आपको माइंड में सेट करना है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि जब अंतर लिखा हो, कभी भी सवाल में अंतर आ जाए, कम ज़्यादा अधिक लिखा हो, डिफरेंस की बात हो, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि इसमें अधिक अधिक लिखा है यानी कि लाभ लाभ लिखा है या हानि हानि लिखी या एक बार लाभ एक बार हानि, ठीक है, ये चीज़ देखनी है। यानी कि सेम अगर हो, प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो आपको माइनस कर देना है, लॉस लॉस हो आपको माइनस करना है, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, तो हमेशा क्या करना है, प्लस, यानी कि अपोजिट भी तो आपको जोड़ देना है। इसके पहले जो सवाल किया था उस सवाल को भी इस कंडीशन से हम कर सकते थे, 14 में से आप 10 घटाते 4 बचता, क्या 4 बराबर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जब भी डिफरेंस की बात हो तो जब दोनों सेम होंगे तो आपको माइनस कर देना है और अपोजिट होंगे तो आपको प्लस कर देना है। अब सवाल पर आते हैं, सवाल में क्या लिखा है,
लिखा है कि एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है लाभ लिखा है। क्या लिखा है? आप कहेंगे यहाँ पर लाभ लिखा है। और इसके बाद में फिर क्या है, 6% की हानि, यहाँ पर क्या लिखा है? हानि, यानी कि एक बार लाभ लिखा है, दूसरी बार हानि लिखा है, और यहाँ पर अधिक बोला गया है। अधिक का मतलब होता है अंतर। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी इसमें अप्लाई हो जाएगी, एक बार लाभ एक बार हानि, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सेम होता है तो दोनों को हम क्या करते, घटा देते। इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 6 ये हमारे पास लिखा है, 6 ये लिखा है, और 6 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12%। 6% प्लस 6% किसके, 12%, ये किसके बराबर, तो आप कहेंगे 870 के बराबर। किसके, 870 के बराबर। अब आपसे पूछा गया क्रयमूल, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 × 12, यहाँ पर 3 का भाग देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 290। अब इसको आपको 100 बनाना है, तो इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का, 25 × 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 × 25, 25 × 9 = 225, 225 × 5 हासिल हमारे पास 22, 25 × 50 और 50 और 22 कितना होता है, आप कहेंगे 72, क्या होता है 72। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 7250, यानी कि 7250 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, और इसका बेसिक करना, तो आप बेसिक में आप क्या करेंगे, पहले 100 में घटा देंगे, बात वही रहने वाली है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इस चीज़ को आपको एक बार समझना है, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। अब इसका बेसिक देख लेते हैं, यदि आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 100 में माइनस कर देना है। 100 में पहले आप 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, 106%, और इसके बाद में 6 कम हो रहा है, हानि की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 94% बराबर क्या करेंगे, आप बराबर 870 करेंगे। इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने ये तरीका बताया आपको, यदि ये चीज़ याद है तो आप और भी आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर याद करना है। इसके बाद में अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अब जैसे एक क्वेश्चन इसी हिसाब से दे रहे हैं, आपको ये चीज अप्लाई करनी है। लिखा है 18% हानि और 17% लाभ के बीच, 18% हानि वह 17% वह 17% लाभ का अंतर दे रखा है, का अंतर कितना दे रखा है, 63 है, तो क्रयमूल बताना है, 63 है, तो आपको क्या बताना है, आपको क्रयमूल यानी कि सीपी बताना है। तो क्वेश्चन वही है ना, आप क्या करेंगे, आप पहले 100 में से 18 माइनस करेंगे और 100 में 17 जोड़ देंगे, अंतर निकालेंगे तो भी आएगा। और आपको यदि ये कंडीशन याद होगी तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर अंतर बोला गया है और यहाँ पर हानि और यहाँ पर लाभ, और जब विपरीत होते हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 18 17 क्या होगा, आप कहेंगे 35 किसके बराबर होगा, 63 के हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 7 × 7 = 35, 7 × 9 = 63। आपसे पूछा गया सीपी बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू, इसे 100 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 18 आंसर क्या आएगा, 180 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, कितनी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार 12% छूट देकर 33% का लाभ कमाता है, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य इतना है हमारे पास उसका बताना है, ठीक है। तो देखिए अब बात करेंगे, अंकित मूल्य के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लिखा है एक दुकानदार 12% की छूट देकर, एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार एक
दुकानदार 12% की छूट देकर 12% की छूट देकर यानी कि 12% की छूट देता है, फिर भी क्या करता है, देकर भी 33% का लाभ कमाता है, देकर भी 33% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपए, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, उसका दुकानदार के लिए क्रय